उसके बाद यही कार अगले दिन सुबह 6 तारीख वापस आती हुई देखी। मुझे लगता है कि गगन और विवेक दोनों ने मिलकर सबको मारने का प्लान किया होगा। फिर ये दोनों भाई निकले और गगन के मन में लालच आ गया तो उसने पहले विवेक को मारा और बाकी से परिवार को मार दिया। अगर हमने तेरे सीढ़िया चेक किया है और 24 घंटे में पूरे 40 कॉल हुए हैं, वो भी सिर्फ 10-10 सेकंड। शर्मा जरा बताओ, 10 सेकंड में आदमी क्या क्या बातें कर सकता? वो घर पर नहीं है, तुम बाद में कॉल करना। अब सवाल ये है कि वो कॉल किसने रिसीव किए, आपने या फिर आप दोनों में से किसी ने? हाँ, मैंने अटेंड किए, लेकिन सारे कॉल्स का जवाब भी मैंने दिया। ये फैमिली ही अपने इकलौते बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। एक काम करो, अरेस्ट करो इसे और इस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी डालो। एविडेंस तो है हमारे पास और उसकी पूरी फैमिली पर नजर रखो। फिर लामा हाउस का CCTV फुटेज वो हाईवे से मिलने का कनेक्ट होगा। ये वाइट गाड़ी लामा हाउस में एंट्री करेगी और उसके 15 से 20 मिनट बाद गगन की गाड़ी वापस आ जाएगी। अरे अगले दिन